आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर योजना पर गोरखपुर जोन के अलग अलग स्थानों पर हो रहे प्रदर्शन पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, मंडल के कुछ स्थानों पर युवाओं ने किया है प्रदर्शन, उनसे बात करके प्रदर्शन को करवाया गया है। शांत युवाओं से की गई है अपील कि शांतिपूर्वक करें प्रदर्शन, नहीं तो आपके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। शुक्रवार को चाक शोभन सुरक्षा के बीच जनपद में सकुशल अदा की गई जुमे की नमाज। पुलिस और प्रशासनिक अमले ने ली राहत की सांस। एडीजी जोन अखिल कुमार ने सभी लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील। गोरक्ष नगरी में एक साथ 393 बेटियों की भरी गई मांग, 11 का हुआ निकाह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ भव्य आयोजन। 404 बेटियों ने वैवाहिक जीवन में किया प्रवेश। सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जोड़ों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। अग्निवीर योजना पर हो रहे प्रदर्शन की वजह से 34 ट्रेनों को किया गया है निरस्त। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, 19 ट्रेनों को चलाया जा रहा है नियंत्रित तरीके से, की अपील। छात्र रेलवे की संपत्ति को ना पहुंचाए नुकसान, यह आपकी है संपत्ति, ट्रेनों का सुचारू रूप से होने दे संचालन। मरम्मत के लिए आई कार को धोखाधड़ी करके दूसरे व्यक्ति को बेचने वाले एक जालसाज को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिले के सभी बैंक कर्मचारियों के साथ CDO इंद्रजीत सिंह ने विकास भवन के सभागार में की बैठक। बैंकर्स को लोन की पत्रावलियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश। जनपद में जुमे की नमाज पर रहा सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और PSC की लगाई गई थी ड्यूटी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मुस्तैद। शाहपुर पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार, दो चोरी का मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और जनपद में एक ही दिन मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। CMO ने जनपद वासियों से की अपील, कहा मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का करते रहे पालन, ताकि जनपद हो सके कोरोना मुक्त।